सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव पारित केंद्र से। कर्नाटक में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी की मांग, कर्नाटक के सीएम ने कर्नाटक में मराठी लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी, केंद्र का। यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने रद्द किया ओबीसी आरक्षण, दिया तत्काल चुनाव कराने के निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश का होगा बड़ा असर, सामान्य मानी जाएंगी ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होंगे चुनाव, सरकार उठाएगी हर कदम। यूपी सरकार ने दिया हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील के संकेत, कानूनी जानकारों से ली जा रही हिला। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने के फैसले के बाद से अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कोर्ट में सरकार सही ढंग से नहीं रख रही है दलील। और यहाँ तो दिखा जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। अखिलेश यादव के हमलों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा चुनाव में बाधा पैदा करना चाहती है समाजवादी पार्टी। अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी उसमें बाधा डालना चाहती थी। मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार के आरक्षण विरोधी सोच को उजागर करती है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की भगवान राम के साथ तुलना पर घिरे सलमान खुर्शीद, बीजेपी नेताओं के हमलों के बाद सफाई दी। भगवान से तुलना ना हो सकती है ना मैं कर सकता हूँ, लेकिन भगवान की राह पे चलने के लिए मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो भगवान की राह पे चलता है। सलमान खुर्शीद के बयान पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बोला हमला, बयान को बताया चाटुकारिता की पराकाष्ठा। ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा, चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान, कहा कांग्रेस ने हमेशा से राम के आचरण के विरुद्ध काम किया है। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद के मामले में सियासत है, शिंदे सरकार की तरफ से रखा गया प्रस्ताव पास। नागपुर में विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन, विधायकों का धरना। विधान भवन के बाहर रामधुन गाते दिखे विपक्ष नेता, सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार का विरोध। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की सीबीआई की याचिका, अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बेटा गिरफ्तार, जमीन विवाद में फायरिंग का है आरोप। कोयंबटूर में जेपी नड्डा की जनसभा, तमिलनाडु में 25 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया। महबूबा मुफ्ती ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कश्मीर में यात्रा में शामिल होने की बात भी कही। असम में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन होगा शुरू, चुनाव आयोग ने ऐलान किया। दिल्ली मेयर के लिए बीजेपी ने रेखा गुप्ता को उतारा, आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय से मुलाकात, मुकाबला होगा। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया। मुंबई में एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार हुआ लाल जोड़ी में दी गई आखिरी विदाई, श्रीजान का परिवार भी हुआ शामिल। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी श्रीजान की पुलिस रिमांड का आखिरी दिन कल, बार बार बयान बदल रहा है श्रीजान खान। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को हॉस्पिटल ले जाने का वीडियो भी आया सामने, आखिरी वीडियो में श्रीजान भी साथ में दिख रहा है। सीसीटीवी वीडियो में श्रीजान खान अपने सीरियल अली बाबा के ही किरदार में दिख रहा है, वीडियो में परेशान दिखे। पुलिस श्रीजान और टीवी शो के सेट पर सुसाइड से पहले के 15 मिनट के बारे में सवाल कर रहे, श्रीजान के साथ लंच करने के 15 मिनट के बाद मेकअप रूम में खुदकुशी की थी। कोरोना की चौथी लहर और खतरनाक BA.7 कोरोना वायरस को लेकर सतर्क हुआ भारत, आज देश भर में इमरजेंसी मॉकड्रिल हुए। मॉकड्रिल के दौरान देश के सभी अस्पतालों में परखे जा रहे आपात सेवाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और स्टाफ पर रहेगी नजर। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, मॉक ड्रिल का जायजा लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ वर्चुअल बैठक की, कोविड-19 की स्थिति पर और तैयारियों पर चर्चा की।
वाराणसी के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मॉकड्रिल, सीएम ने तैयारियों की जायजा लिया। इटावा में कोविड के खिलाफ चल रही मॉकड्रिल में अनेकों खामियां, डीएम ने कोविड नियमों के साथ इलाज करने की हिदायत दी। दिल्ली के राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ मॉकड्रिल, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गाजियाबाद के रासना सरकारी अस्पताल में भी कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉकड्रिल, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर भरत भूषण के साथ अधिकारियों ने ऑक्सीजन से लेकर दूसरी मेडिकल सुविधाओं का जायजा लिया। कानपुर में कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर मॉकड्रिल कर देखा गया रेस्पॉन्स टाइम, बोले सारी तैयारियां पूरी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से 12 घंटे तक बंद रहेगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले में 12 घंटे के बंद का वाहन है। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ असामाजिक तत्वों ने हिंदू धार्मिक ग्रंथ को जलाया, पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। बेलगाम में सरकार और कानून मंत्री मथु स्वामी के खिलाफ वकीलों के संघ का विरोध, वकीलों ने पुलिस पर हमला किया, विधानसभा के सामने प्रदर्शन भी किया। सिरसा में पुलिस ने कैफे पर छापेमारी की, जांच में 5 जोड़ों को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में शुरू हुए खुले में नमाज का विरोध, एक बार फिर से बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी सड़क हादसे में मामूली चोट, मैसूर जाते वक्त हादसा हुआ। मेघालय में जारी भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की कोशिश। पठानकोट में नए साल को लेकर पुलिस ने सीमा से सटे हुए इलाकों में बढ़ाई चौकसी, वाहनों की जा रही है बारीकी से जांच। उत्तराखंड के चमोली में लगातार फंस रही है जमीन, स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। संतकबीर नगर में डीआईजी के सामने खुली जवान की पोल, चौकी इंचार्ज बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खोल पाए गन। बिजनौर में कोहरे के चलते ट्रक और बाइक की टक्कर, 2 मजदूरों की मौत। अमृतसर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी, लोगों का घर से बाहर निकलना भी हुआ मुश्किल। पटना में कोहरा बना मुसीबत, कोहरे के कारण कई ट्रेन रद्द। फतेहपुर में कोहरे का कहर जारी, NH 52 पर 1 दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में टकराए। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप, यातायात प्रभावित। श्रीनगर में माइनस में पहुंचा टेम्परेचर, डल झील के किनारे बर्फ की चादर जमी। राजस्थान के सबसे ठंडे शहर फतेहपुर शेखावटी में ठंड का प्रकोप जारी, माइनस में पहुंचा टेम्परेचर। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे के पास में कोहरे की वजह से कई उड़ान देरी से हुई और यात्री परेशान दिखे। डिब्रूगढ़ में जमकर हुई बर्फबारी, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम हुई। कड़ाके की ठंड में बीएसएफ महिला डेयर डेविल्स का कर्तव्य पथ पर शानदार शो, 9 बाइक पर 39 वीरांगनाओं ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बनाया। करनाल में अब हरियाणा की पहली ड्रोन पायलट देंगे ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, किसानों को तकनीक से जोड़ने की कोशिश है। पटियाला में सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा बनी डिप्टी कमिश्नर, 1 दिन के लिए नियुक्ति हुई। सूरत में दिखी ईमानदारी की मिसाल, रास्ते में मिला हीरा जड़ा मंगलसूत्र, पुलिस थाने में मालिक को वापस लौटा। जैसलमेर में सीमा पर बीएसएफ जवानों ने आवाजाही के लिए खरीद रहे ऊंट, नए ऊंट लेने की प्रक्रिया शुरू। इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला आया सामने, नाम बदलकर युवती से दोस्ती की गई, आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में 5 सितारा होटल हयात को धमकी भरा एक मैसेज आया है, दिल्ली से आरोपी गिरफ्तार। एएमयू में कश्मीर छात्र से मारपीट का मामला सामने आया, पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक सिरफिरे आशिक ने युवती को मौत के घाट उतारा, एक तरफा प्रेम में युवती को चाकू से उसका गला रेत। रामगढ़ में मां बेटे ने किया अपने पिता का कत्ल, दोनों ने ही मिलकर लाश को कुएं में ठिकाने लगाया। सीतापुर में 3 छात्रों ने खुदकुशी की, पुलिस जांच कर रही है। आगरा में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का कत्ल, 3 आरोपी गिरफ्तार। बहादुरगढ़ में कमरे में दम घुटने से 3 लोगों की मौत, सर्दी से बचने के लिए कमरे में रखी गई थी लकड़ियां। गाजियाबाद में होटल में महिला का शव मिला, पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के खेड़ा में अज्ञात ने की बीएसएफ जवान की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
नोएडा से घर में काम करने वाले लड़के पर मालकिन का अत्याचार, पीट पीट कर घर के अंदर काम कराने के लिए जबरन ले जा रही थी। सवाई माधोपुर में महिला की करंट लगने से मौत, छाछ बनाने वाली मशीन से हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में सड़क हादसे में गुस्साए लोग, भीड़ ने कई ट्रैफिक कर्मचारियों को पूरी तरह पीटा। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में स्कूल के हेडमास्टर पर लगा छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, लोगों ने पिटाई की। चमोली के जंगलों में लगी भीषण आग, लगभग 4 हेक्टेयर तक जंगल जलकर खाक। ओडिशा के रायगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 रूसी पर्यटकों की मौत, होटल शव में मिला। एमपी से किडनैप लड़की, यूपी के औरैया से 4 साल के बाद बरामद, पीड़िता ने पुलिस को बताई अपनी पूरी कहानी। लखनऊ में यूपी महोत्सव में महिला के साथ छेड़छाड़, झूले वाले ने मारपीट की। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में अचानक गिरी छत, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। वाराणसी में सड़क हादसा, जीप और बाइक की टक्कर में 2 घायल। मुंबई पुलिस का 2 रूसी यूट्यूबर्स के खिलाफ केस, इंपीरियल ट्विन टावर्स पर कर रहे थे खतरनाक स्टंट्स। अमरावती में मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने दबोचा, 7 मोटरसाइकिलें कुएं में छुपाए थे। गांव में खुलेआम हथियार लहराते राहगीरों से लूटपाट हुई, 4 गिरफ्तार। वाराणसी में पुरानी रंजिश में कार सवार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, ठेकेदार पर लगाया जान से मारने का आरोप। बांदा में कोल्ड ड्रिंक में मांस के टुकड़े निकलने से मचा हड़कंप, कोर्ट के आदेश पर कोल्ड ड्रिंक कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज। रेलवे ने मजार के साथ अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बने 4,300 से ज्यादा घरों को तोड़ने का हाईकोर्ट का आदेश, अतिक्रमण अभियान को लेकर पुलिस ने रेलवे के साथ बैठक की। मथुरा में एक साथ खड़ी 4 गाड़ियों में लगी आग, हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं। यमुना में अमोनिया का स्तर लगातार बढ़ने के बाद से पानी की सप्लाई की कमी, लोगों ने सरकार पर साधा निशाना। पंजाब के फरीदकोट जेल में मोबाइल मिलने का सिलसिला लगातार जारी, 7 मोबाइल फोन समेत 2 चार्जर भी मिले। बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बस के भिड़ंत में बस ड्राइवर की मौत, 12 जख्मी। रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है, 106 दुकानों को बनाया गया निशाना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेट्रोल टैंकर में अचानक लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। उज्जैन के रेलवे स्टेशन से 2 साल के बच्चे का अपहरण, सीसीटीवी में कैद हुआ किडनैपर का चेहरा। होशियारपुर में एसआई के करंट लगने की वजह से मौत, हीटर लगाने के दौरान हादसा हुआ।